सुइयों से इलाज का ये तरीका देखने में आपको थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन आज के वक्त में आम लोग जिन बीमारियों से जूझ रहे हैं ये उसमें बेहद कारगर है। जी हाँ, एक्यूपंक्चर से उन तमाम छोटी छोटी परेशानियों से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज संभव है, जिसे लेकर आप आए दिन अस्पताल और क्लिनिक का चक्कर लगाते होंगे। जाने माने एक्यूपंक्चर विशेषज्ञ डॉक्टर रमन कपूर को सुनिए, आपको खुद ब खुद कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा जो एक्यूपंक्चर का प्रयोग किया जाता है वो दर्दों के लिए किया जाता है। किसी किस्म की दर्द हो, चाहे वो गर्दन की दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, अपर मिडल या लोअर बैक पेन हो, स्लिप डिस्क हो जाती है जैसे, उसकी वजह से शियाटिका हो जाती है, वो पेन हो, हेडेक्स हो, माइग्रेन हेडेक्स होती हैं, आर्थराइटिस का पेन हो, नी जॉइंट की आर्थराइटिस है, शोल्डर की आर्थराइटिस है, गैस्ट्राइटिस है, कोलाइटिस है, इन सब तकलीफ़ों में भी, एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम, इसमें भी एक्यूपंक्चर द्वारा परमानेंट रिजल्ट्स आ सकते हैं और परमानेंटली ट्रीटमेंट हो सकता है। आप केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को ही लीजिए, पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह घुटने के दर्द से परेशान थे। डॉक्टर कपूर के इलाज से उन्हें कितना फायदा है, खुद उन्हीं से सुनिए। इतना ज़्यादा विश्वास नहीं था कि ये है क्या, लेकिन अभी 14 सेशंस हुए और जिन चीज़ों के लिए मैं आया था बहुत फायदा हुआ। मेरे ख्याल से इस विषय में लोगों को जानकारी बहुत कम है और इसलिए कई बार ये रहता है कि जी वो आपकी नीडल लगाएंगे, क्या करेंगे, एक डर सा रहता मन के अंदर। आपको क्या कुछ दिक्कत थी और कितना फायदा? नहीं, मुझे जैसे क्योंकि मेरे एक नी के अंदर इंजरी है दोनों में पुरानी, तो मुझे तो बहुत फायदा है। इलाज के इस नायाब तरीके ने पुद्दुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को भी काफी फायदा पहुंचाया। I was so low in immunity. I lost my voice. I had severe laryngitis. And when the Kapoors came to know I needed help, they came all the way to my home to help me revive in energy. I saw relief instantly. I saw relief by the hour, by the day. अहम बात यह है कि इसमें बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक के मर्ज का इलाज है, और अगर आप सुइयों से डरते हैं तो एक्यूपंक्चर में उसके लिए भी कई अलग तरीके हैं। गुआशा थेरेपी है जिसमें कि स्क्रेपिंग करते हैं एक ऑयल लगा के, और मॉक्सीबस्टन है, एक चाइनीज़ हर्ब होता है, वो भी एक्यूपंक्चर के बिंदुओं के ऊपर जला के और उससे हल्का हल्का महीन सेक दे के एक्यूपंक्चर का इलाज किया जाता है। तो अब किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुई से डरते हैं तब भी हम एक्यूपंक्चर से आपका इलाज कर सकते हैं, और अगर आप नहीं डरते हैं तो हम नीडल्स के भी कर सकते हैं, और दोनों ही सिस्टम्स बहुत ही इफेक्टिव हैं। दिल्ली से गीतम श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।